देखें साथियों, आज बड़े ही दुख के साथ आप सभी के बीच में हम गायक कलाकार सुदर्शन यादव और साथी देवरिया हत्याकांड प्रेम यादव जी के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस गीत को आप सभी के बीच में भेज रहे हैं। कहना हुआ, धरती धरा मावा पे धरती धरा मावा पे दिहने कुर्बानी प्रेमचंद यादव के बाया मार कहानी प्रेमचंद यादव के बाया मार कहानी प्रेमचंद यादव के बाया मार कहानी। देखें जब किसी मसीहा का कोई घटना घटती है, हत्या होती है, तो पूरे क्षेत्र की जनता जो है शोक मनाने लगती है। कहना हुआ क्या, धरती धरा मावा पे धरती धरा मावा पे दिहले कुर्बानी प्रेमचंद यादव के बाया मार कहानी प्रेमचंद यादव के बाया मार कहानी प्रेमचंद यादव के बाया मार कहानी। सोची सोची याद आवे अखिया में पानी धरती धरा हले कुर्बानी प्रेमचंद यादव के बाया मार कहानी प्रेमचंद यादव के बाया मार कहानी प्रेमचंद यादव के बाया मार कहानी। देखें साथियों, उस दिन को याद करते हुए जिस दिन हमारे भारत देश में 2 अक्टूबर अहिंसा की विजय का दिन है, वो गांधी जी के जन्मदिन को मनाया जाता है। लेकिन उस दिन का काला दिन इस मसीहा के लिए हुआ। सुबह सुबह का समय है। कहना हुआ क्या, धन्य रहली माई जे की दिहाली जाना मावा पीताराम भवन यादव कोई ले पलाना मैं नमन करता हूं। उसको चरणों में मेरा स्पर्श है, जिसने प्रेम यादव जी जैसे बेटे को जन्म दिया। और महान वो व्यक्ति है जिसने अपने 40 साल के सर्विस फौज की सेवा की है, देश की सेवा की है। फौज में रहते हुए अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए अच्छा संस्कार दिए राम भवन यादव जी। कहना हुआ क्या, धन्य रहली माई जे की दिहाली जाना मावा पिता राम भवन यादव कोई ले पलाना पूरा टोलावा के रुद्रपुर जिला देवरिया में आता है।
एक टोला है जिसका नाम बताया गया अभयपुर, फतेहपुर के पास पड़ता है मेरे बाबूजी। अभयपुर टोला वाके अद्भुत कहानी, प्रेमचंद यादव के बयामार कहानी। अभयपुर टोला वाके अद्भुत निशानी, प्रेमचंद यादव के समाज सेवा करते हुए प्रेमचंद यादव जी ने सबके सुख दुख में साथ देने का काम किया। जब उनकी हत्या हुई तो मीडिया वालों ने पूरे गांव पूरे क्षेत्र में मुआयना किया, पूछा गया, किसी के मुख से यह सुनाई नहीं दिया कि प्रेमचंद यादव कभी गलत किसी के साथ किए। लेकिन कहना पड़ा क्या, जिला पंचायत सदस्य जब भइले क्षेत्र का विकास प्रेम चंद यादव कइले, जिला पंचायत हुए उनके क्षेत्र की जनता ने उनको चुना, उन्हें राय दिया, चुनाव लड़ाया, उनको भारी मतों से विजयी बनाया, अपना प्रतिनिधि बनाया। उन्होंने जैसे जनता ने उनका साथ दिया उसी तरह उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया। सब लोग सारे लोग उनसे खुश थे, लेकिन बाबूजी कुछ लोगों की नज़र उनके ऊपर गड़ी हुई थी, इसलिए कहना हुआ क्या, जिला पंचायत सदस्य जब भइले क्षेत्र का विकास प्रेम यादव अपन कइले, अभयपुर टोलावा में जितने पराधानी, प्रेमचंद यादव के बयामार कहानी। इतना ही नहीं, अपने कर्मों से प्रेमचंद यादव जी प्रधानी का भी कार्यकाल देखे, चुनाव जीते, 5 साल प्रधानी भी देखे, जनता की सेवा किए। उनके करने को आज लोग सोच करके रोते हैं, क्षेत्र के वासी रोते हैं, क्षेत्रवासी रोते हैं मेरे बाबू जी। हम लोगों ने भी जा करके वहाँ पे उनके परिवार से मिला गया, जब हम लोगों को घटना की जानकारी हुई पहुँचे, सारे लोग नम आँखों से हम लोगों से बातें किए, उस क्षेत्र की घटना सबको याद हुई। ये भारतवर्ष याद रखेगा, कहना है क्या, सेवक बन के कैले सदा जनता सेवा काई, सुख दुख में साथे रहले प्रेमचंद भाई, सुख दुख में साथे रहले प्रेमचंद भाई, सुख दुख में साथे रहले प्रेमचंद भाई। यद कुल के शान रहले, यद कुल के शान रहले शेर सैलानी, प्रेमचंद यादव के बयामार कहानी। प्रेमचंद यादव के बयामार कहानी।
रहे, 5 साल प्रधान रहे, उनके कार्यकाल को देखते हुए क्षेत्र की जनता पसंद करती थी, उन्हें बड़ा दुलार प्यार करती थी। लेकिन ये बातें विरोधियों को नागार थी भाई साहब, उनको मंजूर नहीं था। उनके लिए तमाम योजनाएं बनाए, उनके समय को देखते हुए साजिश रचने लगे। वो दिन आया जिस दिन को पूरा अपना देश याद कर रहा है, 2 अक्टूबर 2023 कहना हुआ क्या। दो अक्टूबर का दिन है, तारीख है, और कहना पड़ा क्या। 2023 वाला मनहूस सा नबा, तारीख दुई रहल अक्टूबर वाला दीनवा, सन 2023, मेरे बाबूजी वो काला दिन आज इस देश के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काला दिन हुआ। मचा है कोहराम, प्रशासन जुटा जब हत्या हुई, कहना पड़ा क्या। 2023 मुदैया मिलके कैले मन मानी, प्रेमचंद यादव के बाया